प्रो कबड्डी सीजन 8 आखिर कब शुरू होने वाला है? जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत सारे जन अभी तक सोच रहे होंगे। और यहाँ की मैंने बहुत दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि आखिर कौन से डेट को प्रो कबड्डी सीजन 8 का ऑक्शन हमें देखने को मिलेगा। तो ऑक्शन की तो बात बता दी, लेकिन मैंने आपको बताया था कि बहुत ही कुछ दिनों बाद में प्रो कबड्डी सीजन 8 की स्टार्टिंग डेट के रिलेटेड मैं वीडियो बनाने वाला। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊँगा आखिर प्रो कबड्डी सीजन 8 कब शुरू होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो होने लगा बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, तो वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से जल्दी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों बिना देरी किए एक और नई वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को बता दूं कि मैंने ऑलरेडी 3 टीम्स के ऊपर प्रोबेबल स्क्वाड की वीडियो बना दी है। जैसे कि आपको पता हो कि प्रो कबड्डी सीजन 8 पोस्टपोन्ड हो चुका है 2021 में, और यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे अब नए स्क्वाड के चेंजेस हो गए। तो उस तीनों के बेंगलुरु बुल्स, दबंग दिल्ली और बंगाल वॉरियर्स और पटना पायरेट्स, 4 टीम के ऊपर मैंने फुल स्क्वाड की वीडियो डिटेल में बता दी है। तो आपको वीडियो देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और वो मेरे सेकेंड चैनल पर वीडियो, कोई और चैनल नहीं, ये मेरा ही चैनल है। तो आपको उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, चैनल का नाम है कबड्डी सुपर फैन। आपको चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके उस चैनल को भी सपोर्ट दिखाइए, क्योंकि उसमें भी आपको कबड्डी के बहुत सारे कंटेंट देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों अब टॉपिक, वीडियो के टॉपिक पर बढ़ते हैं। दोस्तों यहां पे जैसे कि इस वीडियो में बताया था कि प्रो कबड्डी का ऑक्शन हमें 2021 में देखने को मिलेगा, और बात है मंथ की, गाइस यहां पे जब तक आईपीएल का ऑक्शन डेट और स्टार्टिंग डेट यानी कि शेड्यूल नहीं निकलता है तब तक हम नहीं कह सकते कि कंफर्मेशन यानी कि कौन से एग्जैक्टली डेट में यहां पे शुरू होने वाला है। तो यस, यहां पे अभी एजीएम मीटिंग होने वाली है आईपीएल की। आपको पता होगा कि 24 दिसंबर को आईपीएल की एजीएम मीटिंग होने वाली है, अहमदाबाद में होगा, और वहां पे डिसाइड होगा कि आखिर मेगा ऑक्शन हुआ कि मिनी ऑक्शन होगा। और यहां के कंफर्मेशन निकल के आ रही है कि मिनी ऑक्शन के ज्यादा चांसेस है आईपीएल में। अब जब इतने बड़े टूर्नामेंट में मिनी ऑक्शन होगा तो मुझे तो लगता है कि प्रो कबड्डी में भी मिनी ऑक्शन तय है, मेगा ऑक्शन का कोई भी चांस निकल के नहीं आता है। अब दोस्तों बात करते हैं ऑक्शन की डेट की, तो यहाँ पे ये डेट निकल के आता है कि आईपीएल का फरवरी के मिड में हो सकता है, यानी कि फरवरी के 10 के 20 के बीच में, यानी 10 फरवरी से 20 फरवरी के बीच में आईपीएल का नीलामी हमें देखने को मिल सकता है। अब आईपीएल का नीलामी फरवरी में दिखेगा तो हमें अप्रैल या मई के मंथ में आईपीएल स्टार्ट होता हुआ दिख जाएगा, और आईपीएल ख़त्म होगा मई के एंड में या फिर जून के स्टार्टिंग ऑफ वीक में। अब यहाँ पे दोस्तों बात की जाए कि यहाँ पे स्टार्टिंग डेट क्या निकल के आती है, तो मुझे दोस्तों यही लगता है कि जैसे कि अभी दोस्तों 2020 में आईपीएल ख़त्म हुआ है, और आईपीएल के ख़त्म होने के 2 हफ्ते बाद ही, कंफर्म नहीं होगी 2 हफ्ते, मतलब ये कुछ ही दिनों के बाद ही आईएसएल स्टार्ट हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, इंडियन सुपर लीग स्टार्ट हो चुका है। अब मुझे इस बार यही लगता है कि इस बार आईपीएल ख़त्म होने के बाद जैसे कि 10-15 दिनों के बाद हमें प्रो कबड्डी खेलता हुआ या फिर स्टार्ट होता हुआ दिख जाएगा। और मुझे लगता है कि दोस्तों मिड ऑफ जुलाई हमें प्रो कबड्डी दिख जाएगा, और जुलाई, सितंबर और अक्टूबर का एक वीक मुझे लगता है कि, यानी कि 2 महीना 60 दिन मुझे लगता है कि प्रो कबड्डी ऑर्गेनाइज होने वाला है। और बहुत सारे डाउट्स निकल के आते हैं कि कबड्डी प्लेयर्स के क्या क्या होगे। आप ये मत समझिए कि प्रो कबड्डी नहीं होगा, जी हाँ दोस्तों प्रो कबड्डी होगा। अब प्रो कबड्डी होने में भी बहुत ज़्यादा टाइम बचा है, और यहाँ पर दोस्तों अभी देखा जाए तो अभी चल रहा है दिसंबर, अभी 6 महीने और है, 6 महीने यानी कि 180 दिन और है। बस हम यही वेट कर रहे हैं कि जैसे 1 साल निकल गया वैसे 1 साल और निकल जाए, 6 महीना और निकल जाए, तब हमारा प्रो कबड्डी स्टार्ट हो जाएगा। मैं बस यही कहना चाहता हूँ, अगर एक बार कबड्डी स्टार्ट हो जाता है, प्रो कबड्डी स्टार्ट हो जाता है, तो एक आइडिया हो जाएगी कैसे ऑर्गेनाइज करना है टूर्नामेंट, क्योंकि अभी तक सिर्फ एक ही है इंडिया में लीग जो आईपीएल ऑर्गेनाइज हुई है, बहुत ही ज़्यादा मतलब कि सिक्योरिटी बायो बबल में, मतलब कि बायो बबल की रूल के तहत आईपीएल ऑर्गेनाइज हुआ। और यहाँ पे दोस्तों प्रो कबड्डी में बहुत ज़्यादा प्लेयर्स होते तो बहुत ज़्यादा सिस्टम में रहना पड़ेगा, और बहुत ही ज़्यादा मतलब कि आप समझ नहीं सकते, अगर आप कबड्डी प्लेयर होते या फिर आप ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप कोई मेंबर होते तो आपको समझ आता, और बहुत सारे बंदे तो समझ गए होंगे। तो मेरा कहने का मतलब यही है दोस्तों, अभी तक आईपीएल का अपडेट निकल जाता है तो हमें एक मतलब कि एक एग्जैक्टली डेट पता चल जाएगा, और उसी डेट के आसपास हमें प्रो कबड्डी सीजन 8 का स्टार्टिंग डेट मिल जाएगा। और दोस्तों
अब बहुत सारे जन बंदे ये बोले कि आखिर कौन से डेट को प्रो कबड्डी अनाउंस करेगी कि ये स्टार्ट होगी कि नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे मुझे लगता है कि सबसे पहले तो प्रो कबड्डी ऑक्शन की डेट बताएगी कब ऑक्शन होगा, फिर ऑक्शन होने के बाद ये बताएगा कि शेड्यूल और स्टार्टिंग डेट आ जाएगा, सबसे एंड में शेड्यूल ही आता है। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले ऑक्शन की बात किया तो ऑक्शन मुझे लगता है कि दोस्तों अप्रैल में हो सकता है, अप्रैल मई में, और अगर ऑक्शन होता है तो मुझे लगता है कि फरवरी या मार्च ज़्यादातर इसी डेट को मुझे लगता है कि अनाउंस कर देगी AKFI। और अब दोस्तों यही कह सकते हैं कि हमें बस वेट करना है, सब्र करना है, पेशेंस रखना है, क्योंकि दोस्तों अब आप सोच रहे हो बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया है और आखिर IPL तो हो गया है, लेकिन कबड्डी फैंस के लिए, मैं भी एक खुद कबड्डी फ़ैन हूँ और यहाँ पे IPL को मैंने इतना अच्छा इन्जॉय नहीं किया, क्योंकि मुझे प्रो कबड्डी मतलब कि प्रो कबड्डी एक बहुत ही अच्छा खेल बन चुका है जो बहुत ही सारे जन मतलब कि कबड्डी के लवर बन चुके हैं। तो बस यहाँ पे अब यही करूँगा कि बस वेट ही करना है, आपको एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, वेट करना है, और इसी टाइप की रिलेटेड वीडियो आपको बहुत देखने को मिलेगी। और आपने बहुत ही ज़्यादा विश्वास किया हमारे वीडियोस पे, बहुत ज़्यादा वीडियो को सपोर्ट किया है, तो ऐसी सपोर्ट बनाए रखें, और जो भी कबड्डी की रिलेटेड वीडियो आती है वो भी मैं आपको डेली देता रहूँगा, और डेली मैं वीडियो बना रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं डेली वीडियो बना रहा हूँ कबड्डी के रिलेटेड, जो भी अपडेट्स आ रहे हैं प्रो कबड्डी के रिलेटेड, बड़ा हो या छोटा हो, जो भी कुछ भी हो रहा है वो मैं आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ। दिन आपको एक वीडियो तो मिल रही है और आप अच्छा खासा सपोर्ट दिखा रहे, अगर थोड़ा और सपोर्ट मिलता तो मुझे और अच्छा लगता। और हम बहुत ही रिसेंटली फेस कैम ट्राई करेंगे, 25,000 सब्सक्राइबर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ आप सभी के सपोर्ट की वजह से, और हमें 2021 में हमें 100,000 सब्सक्राइबर तक हिट करना है। वो सब 100,000 क्या दोस्तों, 1,000,000 तक हो जाएगा, 1,000,000 क्या 1,00,000 तक की फैमिली बन सकती है, बस आप सभी का सपोर्ट चाहिए। तो ऐसी सपोर्ट दिखाए रखना और हम भी आपको ऐसी कंटेंट देते रहेंगे। बस एक ही चीज़ और कहूँगा, हमारे सेकेंड चैनल को भी चेक इट आउट कर लेना, क्योंकि उसमें भी बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको उस चैनल पर देखने को मिलते रहेगी। और फेसकैम वीडियो, जी हाँ दोस्तों, मैं तैयारी स्टार्ट कर दी अपने सेटअप का, और फेसकैम वीडियोस भी आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगी। और फेसकैम वीडियो मतलब कि उसमें मज़ा ही कुछ और आएगा, मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और मैंने 2-3 वीडियो और बनाई थी फेसकैम की, लेकिन वो सब वीडियो मैंने प्राइवेट कर दिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि वो क्वालिटी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, और इस बार मैं चाहूँगा कि क्वालिटी आपको बहुत ही अच्छा मिले। तो गाइस वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो गाइस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आपको और कौन कौन से डाउट्स बच चुके हैं आप कमेंट करके जो बताइए, उसका मैं रिप्लाई पक्का दूंगा, आपका सॉल्यूशन पक्का निकालूंगा। और आप बहुत सारे बंदे ये भी करते हैं कि कबड्डी ओलंपिक में आना चाहिए, तो गाइस वो बहुत दूर की बात है, अभी ओलंपिक छोड़िए, पहले प्रो कबड्डी तो स्टार्ट हो जाए, फिर उसकी बात करें, COVID-19 ख़त्म हो जाए, बस यही एक दुआ है कि प्रार्थना है सभी से कि बस COVID-19 ठीक हो जाए और सब ठीक रहे, सब अपने हेल्थ का ख्याल रखें। तो दोस्तों वीडियो को इतना ही, वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दिया, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलते रहेगी। सो गाइस उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगेगी, मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, गुड बाय।